आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना भुने हुए सूजी की हलवे की रेसिपी। इसमें मैंने कोई कलर मिक्स नहीं किया है, कोई चाशनी नहीं बनाई है, फिर भी आप सूजी का कलर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सूजी का हलवा बनकर तैयार है। इससे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई पैन या कोई बड़ा बर्तन ले लें और उसमें डाल दें एक कटोरी सूजी। सूजी को मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी भुना नहीं है। मेजरमेंट आप सेम कटोरी से ही रखें। तो एक कटोरी सूजी में मैंने एक कटोरी दूध यहाँ पर डाल दिया है और सूजी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सूजी का कोई लम्स ना रहे। अब सूजी और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें उसी कटोरी से मैं दो कटोरी और दूध ऐड कर दे रही हूँ। तो टोटल यहाँ पर एक कटोरी सूजी के लिए 3 कटोरी दूध मैंने ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर रख देते हैं। तो हलवे में जो दूध के साथ हम हलवा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे मैं ढककर रख दे रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी जो है बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए गैस पर सबसे पहले आप कोई पैन या कढ़ाई ले लें और उसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच देसी घी। अब घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है उसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए हैं और काजू बादाम को मैंने हाफ कट कर लिया है। इसे हल्का सा कुछ देर के लिए ही भुनेंगे ताकि क्रंच सा आ जाए इनमें। यहाँ पर मुझे 15 से 20 सेकंड ही हुए हैं और बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया है। और जो किशमिश है वो फूलना शुरू हो गई है तो इन्हें मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। इन्हें साइड रख देंगे और अब उसी पैन में डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें और सेम कटोरी से ही डाल देंगे 1 कटोरी देसी घी। इस पूरी रेसिपी में गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे घी मेल्ट होना शुरू होगा चीनी भी उसी के साथ डिसॉल्व होती जाएगी और बहुत ही अच्छा अपना कलर दे देगी। तो जैसा कि मैंने कहा आप लो फ्लेम में ही इस रेसिपी को बनाएं। अगर आप तेज गैस पर इसे बनाएंगे तो क्या होगा, चीनी बहुत ही जल्दी से पक जाएगी और उसका एक कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, जला जला सा लगेगा और जो हलवे का टेक्सचर है, कलर है, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट मुझे हो चुका है और चीनी जो है बहुत ही हल्की सी अभी पिघली है और कलर जो है बहुत ही खूबसूरत इसका आना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे घी गर्म हो रहा है चीनी का कलर भी साथ साथ चेंज होना शुरू हो गया है। लगातार इसे मिक्स करते रहेंगे। तो अगर आप बहुत ही बढ़िया सा अलग टेस्ट वाला हलवा अगर पसंद करते हैं तो इतनी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी कि बस इसे आप लगातार आप मिक्स करें लो फ्लेम में। बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पर 80% के करीब चीनी जो है वो पिघल चुकी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि घी जो है वो अभी भी गर्म है और गर्म घी में चीनी का कलर अभी भी चेंज होता जा रहा है। तो बंद घी में भी मैं इसे लगातार मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी का जो कलर है वो और भी डार्किश हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर आना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम जो है वो बंद है और बंद फ्लेम में ही मैंने इसे लगातार मिक्स करते रही हूँ। यहाँ पर मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में।
और अब हम इसमें डाल देंगे सूजी और दूध। तो जो सूजी को मैंने दूध में भिगो कर रखा हुआ था उसे इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि दूध और सूजी डालने से चीनी जो है वो सारी इकट्ठी हो गई है। तो इसे देखकर आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आप देख सकते हैं गैस की जो फ्लेम है वो बंद है। तो मैं अभी भी इसे हल्के हल्के से चम्मच से प्रेस करते हुए चीनी को मिक्स करती जा रही हूँ। तो घी जो है वो हल्का सा भी गर्म था, उसी में ये मिक्स हो रहा है। और सूजी और दूध डालने से घी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। लेकिन फ्लेम को एकदम आप लो ही रखें और लगातार इसे मिक्स करें। तो धीरे धीरे ये जो चीनी है ये अपने आप ही डिसॉल्व होती जाएगी और सूजी में बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है। ये देखिए ये सारी चीनी मिक्स होती जा रही है। यहाँ पर मुझे 2 मिनट और लगा है और जो तेल है वो घी जो है सॉरी वो पूरा अलग ही सेपरेट होना शुरू हो गया है और चीनी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रही है। चाशनी वाला कलर वाला हलवा आपने कई बार बनाकर खाया होगा, एक बार आप इस तरह से भी हलवे को बनाकर देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और मेरे पूरे घर में इस हलवे की खुशबू, घी की खुशबू फैली हुई है। तो फाइनली ये हलवा भी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसमें डाल देंगे तले हुए ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं ले लेती हूँ एक बाउल में। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका कलर बनकर आया है। आप भी इस हलवे को बनाएं, अपने परिवार के साथ खाएं। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ इस गर्मा गर्म हलवे को अपनी फैमिली के साथ खाने। आप भी इस हलवे को बनाएं, पसंद आता है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।